कैसे तैयार होता है देश का आम बजट। हर साल देश का आर्थिक बजट पेश किया जाता है। यह देश की इकोनॉमी की स्थिति को समझने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। इस बजट से आम आदमी और कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि यह बजट कैसे तैयार किया जाता है। आम बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू हो जाती है। इसकी पहली कड़ी में सभी मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा अन्य स्वायत्त निकायों और रक्षा बलों से खर्च का अनुमान लिया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि किस विभाग या मंत्रालय को कितने फंड की जरूरत है। इसके अलावा अलग अलग जन कल्याण योजनाओं के लिए कितना फंड चाहिए। बजट की तैयारियों में राजस्व विभाग, उद्योग संघों, वाणिज्यिक मंडलों, किसान संघों, ट्रेड यूनियनों, इकोनॉमिस्ट जैसे अलग अलग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ वित्त मंत्री चर्चा करती हैं। बजट की तैयारी के पहले हिस्से में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन द्वारा सभी मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और रक्षा बलों को सर्कुलर भी जारी किया जाता है। बजट बनाने में सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और दूसरे मंत्रालयों का होता है। बजट बनाने के लिए वित्त मंत्रालय इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट और आम आदमी से भी परामर्श लेता है। अलग अलग सुझावों को देखकर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बजट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया में करीब 100 लोगों की टीम कार्य करती है। बजट आने से 10 दिन पहले इन लोगों को नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में ही रहना होता है। बजट बनाते वक्त सरकार किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखती है। सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करने के उपाय भी सोचने होते हैं। बजट बनाने की चर्चा में आगे बता दें कि इसमें यह चर्चा होती है कि किस विभाग को कितनी रकम प्रदान की जाए। इसे तय करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक करते हुए एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। फिर मीटिंग में सभी मंत्रालय के सीनियर्स अधिकारी फंड आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करते हैं। साल 2022-23 वाले बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है। इसमें नए समानांतर पथ का उल्लेख किया गया था। अमृतकाल के लिए ब्लूप्रिंट जो अत्याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी। हर साल फरवरी में बजट पेश किया जाता है। बजट बनाने का मकसद इनकम के साधन बढ़ाते हुए अलग अलग स्कीम के लिए फंड देना, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को गति देने के लिए योजनाएं तैयार करना, देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए योजनाएं बनाना, देश में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए फंड जारी करना जिसमें रेल, बिजली, सड़क जैसे सेक्टर शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।